हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार ओझा है और ओझा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज भिंडी की रेसिपी सब्जी की आपको भिंडी आलू की रेसिपी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमने भिंडी इस तरह की काट लेनी है, छोटी छोटी भिंडी काटनी है। उसके बाद हमने ये छोटे छोटे इस तरह के आलू काटने हैं, बिल्कुल आलू तैयार कर लेनी है। ये मैंने मटेरियल तैयार करके रखा है। और ये बारीक से अपने प्याज काट लेना है और बारीक से टमाटर काट ले। चलते हैं, चलिए इसकी रेसिपी किस तरह के बनाते हैं चलिए चलते आपको बताता हूँ। पकड़ लूँगी, सबसे पहले हम इसमें प्याज झोंकते हैं मसाले के अंदर। स्वाद अनुसार प्याज हमने रिफाइंड डाल दिया इसमें और प्याज सबसे पहले प्याज भी डाल रहे हैं। प्याज हमने जोड़ दिया अपने अंदर। प्याज हमने हल्का ब्राउन करना है। ब्राउन होने के बाद फिर हमने टमाटर से जोड़ दिए। हमने प्याज जोड़ दिया है। इस तरह से हल्का हल्का हाथ चलाना है और इसको जब तक ये पूरा हल्का ब्राउन हो जाए ऐसे ही हाथ चलाते रहना है। और जब पूरा ब्राउन हो जाए फिर इसको छोड़ देना है। इसके बाद हमने टमाटर इसमें जोड़ देने हैं। अब इसमें हम चलिए चलते हैं टमाटर साथ में जोड़ देते हैं। टमाटर डाल के पूरा इस तरह से हमने हाथ चलाना है। ताकि टमाटर पूरे पक जाएं। उसके बाद ये हमने इस तरह का मसाला तैयार कर लिया है टमाटर का। अब इसमें हम भिंडी लगाएंगे। तड़का पक्का पकड़ सही से पकड़ पक्का पकड़ा गेट करके चलिए चलते इसमें आप अभी भिंडी डाल रहे हैं। अब इसमें आलू डाल रहे हैं हम। उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने इसकी रेसिपी बताई थी भिंडी आलू की। हमारी भिंडी आलू बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, अभी परोसने के लिए तैयार है। और चलिए चलते हैं, रात का डिनर हमारा भी तैयार है। ये वीडियो मैंने रात को शूट करी इसलिए ताकि मेरे को टाइम मिलता है सिर्फ रात को, और अपना जो मेरा शौक है वीडियो बनाने का आपके लिए कुछ कुछ, और हो जाए यूट्यूब चैनल में आपके लिए कुछ कुछ नया लाऊं और बेहतरीन लाऊं। मैंने मेरे साथ में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह की रेसिपी के बारे में बताऊँगा और साथ साथ में आपको